Hello everyone. Today we will going to practice English vocabulary. Do you know the word meaning of these words? Warn, demobilize, disengage, earnest while, conciliation, slam, uphill, negate, prudence, indigenous. So today we will going to learn these words with meaning. So let's start this video with the beautiful quotes. Is happiness is a choice you decide, means the state of happiness in your mind is only by choice. If you want to be happy in your life, you can spend your life with full of joy. So it's our choice how we will spend our life. So these are the word meaning we are going to see in this video. So let's start this video. Our first word is on, which meaning misery, discuss synonyms है, sorrow, distress, इसका antonyms हो गया happiness. तो हमारा first word क्या है, misery means दुख वाला, और इसका antonyms है happiness means किसी भी चीज़ की खुशी. हम लोग example से देखेंगे, if he don't find her safe and well, own to the man who has harmed her. तो हम लोग उसे अगर इफ़ वी डोंट फाइंड हर सेफ एंड वेल, अगर हम लोग उसे नहीं देखते सेफ और अच्छा, तो उसका आदमी क्या होगा, हार्म कर रहा होगा उसे. हमारा नेक्स्ट मीनिंग है डीमोबिलाइज, जिसका मतलब होता है बर्खास्त करना, डिसबैंड करना. इसका सिनोनिम्स है डिसकमीशन, डिस्चार्ज. एंटोनिम्स है इसका कंस्क्रिप्ट. एग्जाम्पल है ही वॉज डीमोबिलाइज इन फरवरी 1946. वो क्या हो गया, बर्खास्त हो गया, डिस्चार्ज हो गया, कब, 1946 में. हमारा नेक्स्ट मीनिंग है डिसएनेज, डिसएंगेज, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, अलग करना, किसी भी चीज़ को हटाना, रिमूव करना. इसका सिनोनिम्स है डिटैच, डिसएंटेंगल. इसका एंटोनिम्स है अटैच. एग्जांपल है आई डिसएंगेज्ड हिज हैंड फ्रॉम माइन, मैंने उसका हाथ हटा लिया अपने हाथों से. हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, अर्नेस्ट वाइल, जो कि एक एडजेक्टिव है. ये एक बहुत अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स, जिसका मीनिंग क्या होता है, भूतपूर्व, मीन्स पहले से हो चुका हो. इसका सिनोनिम्स है ओल्ड, पास्ट. और इसका एंटोनिम्स है प्रेजेंट, जो अभी होना. एग्जाम्पल है अर्नेस्ट वाइल प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी वॉज लव्ड बाई ऑल. हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंसीलेशन, जिसका मतलब क्या होता है, अपीजमेंट, किसी भी चीज़ को अपीज करना. इसका सिनोनिम्स है पेस मेकिंग, पेस बिल्डिंग. मीन्स पीस मीन्स हम लोग जब शांति बनाकर रखते हैं उसे कहते हैं पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग. अब हम लोग शांति को ख़त्म करने के उसका इंग्लिश क्या बोलेंगे, प्रोवोकेशन. प्रोवोकेशन मीन्स किसी भी चीज़ को उकसाना. एग्जांपल हम लोग देखते हैं ही हेल्ड हिज हैंड्स अप इन गेस्चर ऑफ कंसीलेशन. हम लोग क्या किए, उसने अपना हाथ उठाया किस चीज़ में, शांति के लिए. हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्लैम, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आलोचना करना, किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, किसी भी चीज़ में हम लोग नुक्स निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, स्लैम, SLAM. इसका सिनोनिम्स है फाइंड फॉल्ट विथ और सेंसर. एंटोनिम्स है इसका प्रेज, किसी भी चीज़ की तारीफ करना, आलोचना करना का अपोजिट हो जाएगा. अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जेनी हर्ड हिम स्ट्राइड अवे स्लैमिंग हिम फॉर हिज बिहेवियर. उसने क्या किया, जेनी ने स्ट्राइड अवे कर दिया, मीन्स क्रिटिसाइज किया उसके बिहेवियर के लिए. हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, अप हिलवल, इसको हम लोग बोलेंगे अप हेवल, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, उथल पुथल करना, किसी भी चीज़ को इधर उधर करके रख देना, जिसका मतलब क्या है, डिस्ट्रप्शन. इसका सिनोनिम से अपसेट और डिस्टर्बेंस, किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब करना. एंटोनिम से इसका स्टेबिलिटी. एग्जाम्पल अब दिस सेंटेंस इज मेजर अप हिल्स हैव हिट द फाइनेंशियल मार्केट हिज दिस ईयर. तो इस साल का फाइनेंशियल मार्केट क्या हो गया था, अप हेवल हो गया था, मीन्स उथल पुथल हो चुका था. हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, निगेट, NEGATE, जो कि एक वर्ब है
इसका मतलब क्या होता है? अमान्य करना, किसी भी चीज़ को अमान्य, इनवैलिडेट कर देना। इसका सिनोनिम्स है नलीफाई और न्यूट्रलाइज। एंटोनिम्स है इसका कन्फर्म। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, अल्कोहल निगेट्स द इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग। वो क्या कर देता है? अमान्य कर देता है अल्कोहल किसी भी ड्रग के इफ़ेक्ट्स को। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रूडेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रूडेंस। इस ये क्या है? एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है? बुद्धिमता, विजडम। किसी भी चीज़ का विजडम मीन्स किसी भी चीज़ का दिमाग लगाना, जजमेंट करना। इसका और एक वर्ड होगा सैगेसिटी। सैगेसिटी ये भी एग्ज़ाम्स में बहुत आते हैं। एंटोनिम से इसका फॉली। एग्जाम्पल है वी नीड टू एक्सरसाइज प्रूडेंस इन सच इम्पॉर्टेंट मैटर। तो ये क्या है? हम लोगों को अपना क्या दिमाग लगाना चाहिए इम्पॉर्टेंट मैटर पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंडिजीनियस, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है? दहेज। और दहेज नहीं, देसज मीन्स कोई भी चीज़ की नेटिविटी, किसी भी चीज़ का ओरिजिनल, ओरिजिन क्या होता है? वो होता है इंडिजीनियस। इसका सिनोनिम्स है अबोरियल और लोकल, कोई भी चीज़ लोकल होना। एंटोनिम्स है इसका एक्सपेरिएट। एग्जाम्पल है द मोस्ट इंडिजीनियस इनहैबिटेट वेयर अमरीकन्स इंडियन। तो ये था इम्पॉर्टेंट 10 वोकेबलरी इंग्लिश के, जो कि हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है लर्न करने के लिए, जो हमारे वोकेबलरी को इन्हेंस करता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।